हेलो फ्रेंड्स, तो हमारा आज का टॉपिक है जो एमएससी जूलॉजी थर्ड सेम के स्टूडेंट के लिए है। टॉपिक का नाम है डिसॉल्वेड सॉलिड्स, समुद्री जल में छिपे हुए ठोस पदार्थों और खनिजों के प्राकृतिक विखंडन या वनस्पति या औद्योगिक संयंत्रों से प्राप्त होने वाले क्षेत्र आते हैं। ठोस मुख्य रूप से कार्बन, मैग्नीश एंड पोटेशियम और पोषक तत्वों जैसे धनायनों से बने होते हैं। TDS यानी टोटल डिसॉल्वेड सॉलिड एक तरल में मौजूद सभी अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थों की घुलित संयुक्त सामग्री का एक माप है। यह आणविक, आयनित या सूक्ष्म दानेदार निलंबित रूप में होता है। TDS यानी टोटल डिसॉल्व सॉलिड सांद्रता अवसर प्रति मिलियन भागों में रिपोर्ट की जाती है। डिजिटल मेटर का यूज़ करके वाटर TDS सांद्रता निर्धारित की जाती है। कार्बोनेट और बायकार्बोनेट, कार्बोहाइड्रेट और बायकार्बोनेट कार्बनिक एसिड लवण और आयन है जो अकार्बनिक है। बड़े परमाणु आकार वाले छोट धातु आयन छोटे आयनों की तुलना में मजबूत परमाणु और बायकार्बोनेट का उत्पादन होने की अधिक संभावना है। नाइट्रेट कार्बन और नाइट्रोजन तत्वों का बना एक ऋणायन होता है। इसका रासायनिक सूत्र NO3 है। यह अमोनिया नाइट्रेट जैसे कई केमिकल यौगिकों का अंश है। यह है नाइट्रेट का सूत्र NO3। धातुओं अथवा अनेक ऑक्साइड पर नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न लवणों को नाइट्रेट कहते हैं। सामान्य ताप पर नाइट्रेट ठोस क्रिस्टल होते हैं। अधिकतर नाइट्रेट श्वेत रंग के पदार्थ हैं। अब है फॉस्फेट। केमिकल साइंस में फॉस्फेट एक आयन नमक कार्यात्मक ग्रुप या फॉस्फोरिक एसिड से प्राप्त एस्टर होता है। इसका आमतौर पर मतलब आर्थो फॉस्फेट है। फॉस्फेट आयन का दान द्रव्यमान 94.97 ग्राम अपॉन मोल है। कई फॉस्फेट मानक तापमान और दबाव पर पानी में घुलनशील होते हैं।